हेलो फ्रेंड, संगीतास वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम दिवाली स्पेशल लापसी बनाएंगे, जो लापसी दिवाली के दिन बनाई जाती है। तो लापसी बनाने के लिए हम गेहूं का आटा को छान के रेडी कर लेंगे। तो मैंने ये चपाटी का आटा लिया है, तो 2 कप आटा से हम लापसी बनाएंगे। तो 2 कप आटा को हमने छान लिया है। उसके बाद हम उसमें मोइन के लिए घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हो, बट घी डालेंगे तो लापसी ज्यादा टेस्टी बनेगी। तो मैं 4 टेबल स्पून भर के उसमें घी डालूंगी। मोइन थोड़ा ज्यादा डालेंगे ना, तो उसकी वजह से लापसी है ना एकदम खिलखिली बनेगी, मतलब चिकनी बिल्कुल नहीं बनेगी। तो 1 कप आटा से अगर आपको लापसी बनाना है तो 2 टेबल स्पून घी उसमें डाल दीजिए। तो घी एंड आटा को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए, लापसी बनाने के लिए गैस पर हम एक पैन रखेंगे। पैन में हम 1 कप पानी डालेंगे। तो जितना आटा लिया है ना उसके सामने आधा पानी लेना है, और 2 कप आटा लिया था ना तो 1 कप मैंने गुड़ लिया है। गुड़ एंड पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी गुड़ मेल्ट होंगे ना तभी हम उसमें आटा डाल देंगे, तब जाके हमारा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो परफेक्ट माप से हम लापसी बना रहे हैं, परफेक्ट लापसी बनेगी। तो यहाँ पे हमारा पानी भी गर्म हो गया है और गुड़ भी थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है। तो चलिए, ऊपर हम लापसी का आटा ऐड कर देंगे और आटा को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। इस तरह से हल्के हाथ से फैला लेना है। फैलाने के बाद हम बेलन से बीच में खड्डा बना लेंगे, उसकी वजह से आटा है ना बिल्कुल कच्चा भी नहीं रहता है। और एकदम लो फ्लेम पर हम ये लापसी को पकने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम मैंने एकदम लो कर दिया है, ढक्कन बंद करके 4 से 5 मिनट के लिए लापसी को पकने के लिए रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम देख लेते हैं। तो हम बेलन से ही लापसी को मिक्स करेंगे, और गैस की फ्लेम अभी मैंने लो ही रखा है। लो फ्लेम पर हम लापसी को मिक्स कर लेते हैं। आटा बिल्कुल कच्चा नहीं है, अच्छे से पक चुका है। तो इस तरह से मिक्स करने के बाद ऊपर से हम आधा कप जितना घी डालेंगे। घी की मात्रा आप अपना हिसाब से डाल सकते हो, जितना आपको पसंद है। घी डाल के अच्छे से लापसी को मिक्स कर लेना है, और लो फ्लेम पर ही लापसी को अराउंड 6 से 7 मिनट तक मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 मिनट तक लापसी को मिक्स किया था। हमारी लापसी परफेक्ट बन गई है। ऊपर से मैं 1/2 स्पून जितना जायफल पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद कट किया हुआ बादाम, और मैं ऊपर से थोड़ी सी शुगर भी डाल रही हूँ। शुगर डाल के अच्छे से लापसी को मिक्स करेंगे। तो लीजिए, हमारी काठियावाड़ी ट्रेडिशनल दिवाली के दिन ये लापसी बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए, फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।